मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित देवडी शाला की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है, वहां पर बच्चों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस हादसे में बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं इस स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, वह कभी भी गिर सकती है। वहीं यह खतरा बरसात के मौसम में बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह बिल्डिंग बरसात के मौसम में कभी भी ढह सकती है और बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होने की वजह से स्कूल में बरसात के कारण पानी भी आता है और बच्चों को उन बिल्डिंग में बैठने में काफ़ी दिक्कत आती है। वहीं ढ्योडी शाला में पढ़ने वाली अलीशा ने बताया कि उनको इस बिल्डिंग में बैठने में काफ़ी डर लगता है। वहीं इस बिल्डिंग में पिछले साल भी एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उनको लगातार डर बना रहता है। वहीं बरसात के मौसम में बिल्डिंग में पानी आता है जिससे उनको बैठने में काफ़ी दिक्कत है। ड्योढ़ी शाला के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम सक्सेना ने बताया कि कुछ समय पहले अवकाश काल में छत गिरने के हादसे हुए हैं जिसमें बच्चों को तो किसी प्रकार की चोट नहीं आई है और वहीं नई बिल्डिंग में रिपेयरिंग तो करवा दी गई है। इस बिल्डिंग में पहले नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग है जिसके कारण स्कूल में लगातार पानी आता है। वहीं ड्योढ़ी शाला के कुछ बिल्डिंग रियासतकालीन है जो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। मेरे साथ भी हादसा हुआ था कि छत का प्लास्टर सीधे मेरे टेबल पर आकर गिरा था। जिला शिक्षा अधिकारी बीएस बिसोरिया ने कहा कि इन बिल्डिंगों के इंजीनियर द्वारा जांच करवा ली जाएगी। अगर यह जर्जर पाई जाती है तो बच्चों को जल्द से जल्द अलग भवन में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों को भी निर्देशित किया जाएगा कि बच्चों को ऐसी किसी भी बिल्डिंग में ना बिठाए जिसमें ऐसा हादसा होने का डर हो। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सर? ड्योढ़ी शाला में। ये यहाँ पर जो हादसा हुआ था पिछले साल, इसकी वजह से आपको डर नहीं लगता सर? लगता है सर, पानी गिरता तभी लगता है। यहाँ पे पानी गिरता रहता है कि आपके जब क्लास लगती है तब भी? हाँ सर गिरता है। कौन सी क्लास में पढ़ते? कौन से स्कूल? बेटा यहाँ पे भी जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और ये कहा जाता है कि पिछले साल यहाँ पे गिरी थी, उसकी वजह से आपको डर नहीं लगता है? लगता है ना, कभी भी गिर जाए। पिछले साल भी बहुत बड़ा हादसा गिरने का, पानी भी आता है। यहाँ पर आपने कभी अपने शिक्षकों को इस बारे में बताया कि सर हमको डर लगता है यहाँ पे? फिर यहाँ पे कैसे क्या है बिल्डिंग है? तब भी आप यहाँ पे पढ़ते हो? ये स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है, हादसा कभी भी हो सकता है, ऐसे बिल्डिंगों में आज भी क्लासें लग रही है सर, कैसे? ऐसी हम लोग को अभियान चला के, हम लोग जो सब शिक्षा अभियान के इंजीनियर हैं उनके माध्यम से जांच करवा लेते हैं और पूरे में भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से जहाँ भवन है जर्जर हैं और जहाँ इस तरह की दुर्घटना की संभावना है उनको उपयोग नहीं किया जाए। पुनः जो पूरा स्कूल है जैसे कि हमारा ड्योढ़ी शाला है, दोनों को हम पुनः ठीक भेज के जांच करा देते हैं। अगर ऐसा होगा तो वहाँ निश्चित तौर पे जो भी बेहतर व्यवस्था हो सके, सुधार हो सकेगा वो करेंगे। और ऐसे क्षतिग्रस्त भवन जिनमें गिरने की संभावना है उनमें बच्चों को पूर्ण से प्रतिबंधित रखेंगे, वहाँ न बैठाया जाए और उनको खा भी जाए तो वहाँ पर ये जर्जर। वही सर उनका कहना है कि हमारे पास भवन नहीं है तो हम कहाँ पर बिठाएं? भवन का हम लोग देख लेते हैं। वैसे हो सकता है कुछ कमरे डैमेज हों, सभी कमरे नहीं होंगे, तो उनमें से जो कमरे सेफ हैं वहाँ पर ही हम लोग बच्चों को। सर कमरे की तो काफ़ी कमी है सर, जैसे कि एक ही क्लास में सातवीं और आठवीं को बिठा करके पढ़ाई की जा रही है वहाँ पर, ये इसी वजह से कि बारिश का पानी जो अंदर आ जाता है तो एक ही रूम में सातवीं आठवीं को बैठाना, इस तरह तो पढ़ाई भी बाधित होती है सर। ये कि जहाँ तक कमी है उसमें सब शिक्षा अभियान का जो प्लान है उसमें जाता है, उसमें देख लेते हैं कि अगर वहाँ कमरे कम है तो वहाँ पर इंटरनेट कक्ष स्टेट स्तर से प्रयास करके और वहाँ पर हम लोग कक्ष बनाने की। और यहाँ पर लगातार दो बार हादसे हो चुके हैं, कैसे क्या हादसे हुए हैं? गत वर्ष छत गिर गई थी, इसका प्लास्टर गिर गया था तो अवकाश काल में हुआ था, तो बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, ऑफिस में ही थोड़ा वो गिरा था। और जब भी प्लास्टर गिरे वो सब अवकाश काल में ही गिरे, तो बच्चों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ राशि आई थी तो मरम्मत करवा दिया गया नई बिल्डिंग में, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है जो ग्राउंड फ्लोर वाली उसमें अभी भी ऊपर से पानी गिरता है नीचे, और उसमें काफ़ी हादसा होने का डर भी लगा रहता है। हाँ, ऊपर क्योंकि नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग है तो जो मलबा है उससे पानी नीचे आता है। सर यह बिल्डिंग काफ़ी राजा महाराजाओं के टाइम की है। ये रियासतकालीन बनी। वहीं सर एक हादसा आपके साथ भी हुआ था जब आप काम कर रहे थे।